वचन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय फादर सिस्टरगण, प्रिय माताओं पिता, मेरे युवा दोस्तों और सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबों को जय यीशु। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। पहला दिन है नया साल का, प्रभु में आनंद लीजिए। ख्रिस्त में प्यारे माताओं पिता, मैं आप सबों को एक छोटी और एक सुंदर सा कहानी बताना चाहता हूं। एक बेटे और एक पिता, पिता का नाम था पिंटू और पुत्र का नाम था चिंटू। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते थे, दोस्त की तरह रहा करते थे। एक दिन पिता अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक सवाल पूछता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिए। पुत्र ने कहा, पूछिए पिताजी, मुझे खुशी हो। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा आपको कौन सी मम्मी अच्छी लगती है, पुरानी मम्मी या नई मम्मी? पुत्र ने जवाब दिया, पुरानी मम्मी झूठी है और नई मम्मी सच्ची है। बेटे का उत्तर सुनकर पिता का होश उड़ गया, आश्चर्यचकित हो गए। वो सोचने लगा कि जो माँ ने उसे जन्म लिया वो कैसे झूठी हो सकती है, और जो उनका देख रेख कर रहा है वो कैसे सच्ची हो सकती है। तब पिता को उनके उत्तरों का सवाल जवाब नहीं समझ में आया ठीक से, इसलिए वो पूछने लगे कि बेटा मुझे बताइए, कैसे पुरानी माँ झूठी लगती है और कैसे नई माँ सच्ची लगती है। इस पर बेटे ने उन्हें समझाने लगा कि पिताजी, जब मैं छोटा था, 2-3 साल का था, मैं बहुत खेलता कूदता था, गांव में धूम मचाता था और पूरी तरह हलचल मचाता था। इस पर पुरानी मम्मी कहा करती थी, बेटा यदि आप इस प्रकार से धूम मचाएंगे, अपना कपड़ा गंदा कर देंगे, तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी। पर जब जैसे ही शाम होता था, पुरानी मम्मी मुझे ढूंढती थी और नए कपड़ा देती थी और स्वादिष्ट खाना भी देती थी। ओके, और नई मम्मी कैसे सच्ची? बेटे ने जवाब दिया कि मैं भी इस गांव में पूरा खेलता कूदता हूं, मौज मस्ती करता हूं अपने दोस्तों से, तो ये नई मम्मी भी कहती है कि यदि मौज मस्ती करोगे, धूम मचाओगे और कपड़े गंदा कर दोगे, तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी और मुझे 3 दिन से खाना नहीं दूंगी। ख्रिस्त में प्रिय माताओं पिता, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग की कितनी मम्मी है? प्रचार, आपकी कितनी मम्मी है, एक या दो? मेरे युवा दोस्तों, आप लोगों की कितनी मम्मी है, एक या दो या 3? पर मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में 4 माताएं हैं, और आप लोग मुझमें विश्वास करेंगे, मेरे वाक्यों का आप जिक्र करेंगे कि हम सच में हम लोगों की 4 माताएं होती हैं। पहला माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, तो पहला मम्मी जो हमें जन्म देती है। दूसरी माँ जब हम स्नान संस्कार लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे धर्म माता पिता, तो हमारी दूसरी माँ धर्म माता पिता। और तीसरी माँ जब हम इस देश में जन्म लिए, इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो भारत माता भी हमारी माता है। इस प्रकार से हमारी तीसरी माँ भारत माता है,
और चौथी माँ आध्यात्मिक माता है, आध्यात्मिक माता है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो उसने मरने से पहले अपने शिष्यों से कहा, देखिए आपकी माता। और प्रभु के शिष्यगण माता को अपने घर ले गए, माता मरियम को अपने घर ले गए। इस प्रकार से हम लोगों की चार माताएं, पहला जो हमें जन्म देती है, दूसरा जो हमें स्नान संस्कार धर्म माता पिता के रूप में मिलता है, और तीसरा हमारा धरती माता जहाँ हम जन्म लेते हैं, और चौथा हमारा आध्यात्मिक माता माता मरियम है। और आज हम विशेष रूप से आज साल का पहला दिन है और क्रिसमस काल का आठवां दिन है, और इसी दिन हमारी माता कलीसिया इस माता का महापर्व मनाती है, इस माता का महापर्व मनाती है। आज हम लोगों को माता मरियम पर मनन चिंतन करना चाहिए कि क्यों माता कलीसिया इस माता का त्योहार मनाती है, ईश्वर की माता का त्योहार मनाती है। हम लोग माता मरियम, मरियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरी। मेरी का स्पेलिंग क्या है, MARY। हम ये चारों लेटरों पर, चारों अक्षरों पर मनन चिंतन करेंगे। M से होता है मदर, माँ, मदर का अर्थ होता है माँ, जो अपने बेटे की देखरेख करती है। माता मरियम यूसुफ के साथ मिलकर अपने बेटे प्रभु यीशु का अच्छी तरह से देखरेख करती है, उनका सबसे पहले क्या देती है, शिक्षा देती है, उनको संस्कार देती है, अपने बेटे के लिए दुख सहती है, कौन दुख नहीं सहती बल्कि तकलीफ भी ग्रहण करती है, अपने जीवन, अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर देती है। अभी हम लोगों से पूछना है, अपने आप से पूछना है, क्या हम लोग अपनी माँ का आदर करते हैं, क्या हम लोग अपनी माँ का सम्मान करते हैं। अरे माँ तो तब भी रोती थी जब बच्चा कोख में होता था, माँ तब भी रोती थी जब बच्चा गिर जाता, माँ तब भी रोती है जब बच्चे को चोट लगती है, बीमार हो जाता है, और माँ अब भी रोती है जब बेटा उसे घर से बाहर निकाल देता है। और ए से होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना। माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। माता मरियम क्या ईश्वर की इच्छा को सीधा सीधा स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर की वाणी स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा माता मरियम के पास आया और बोला कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ, मरियम डर जाती है, घबरा जाती है, और उस घबराहट में पूछती है कि ये कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत प्रणाम का अर्थ समझाते हैं, जब माता मरियम अच्छी तरह समझ जाती है तब उनका मनोबल हाँ में बदल जाता है। और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:38 में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए मैं प्रभु की दासी, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने ईश्वर की इच्छा को ग्रहण कर लिया। और आज हम लोगों से अपने आप से प्रश्न करना है, क्या हम लोग किसकी इच्छा पूरी करें, ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, अपने माँ बाप की इच्छा करते हैं कि शैतान की इच्छा पूरी करते हैं। यदि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो हमें भी माता मरियम की तरह बनना चाहिए, हमें माता मरियम की तरह अपने बाल बच्चों का देख रेख करना चाहिए। यदि हम अच्छी तरह से देख रेख नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हम ईश्वर की इच्छा को पूरे रूप से, पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किए और हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, तो अभी एम से हुआ मदर, ए से हुआ एक्सेप्टेंस, और आर से होता है रिलेशनशिप, संबंध। माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करके, समझ करके एक अच्छा संबंध बनाई। सबसे पहले ईश्वर से संबंध बनाई, एक नेटवर्क बनाई,
उस पर जुड़ गई और हमेशा उसके साथ में जुड़ी रही, हमेशा ऑनलाइन थी और उनकी इच्छाओं के अनुसार पिता ईश्वर के बेटे पर वो यीशु का देख रेख की। क्या हम लोग भी एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध बनाना चाहते हैं? माता मरियम ने यीशु से संबंध नहीं बनाई बल्कि अपने जो रिश्तेदार है जिसे एलिजा है उनके साथ भी अच्छा संबंध बना, जो प्रभु यीशु के शिष्य थे उनके साथ भी उनके संबंध मिले और उनके लिए प्रार्थना करती थी, उनकी देखरेख करती थी। हम लोगों को पूछना है क्या हम लोग आजकल अपने घर में किस रूप से संबंध बनाते हैं? माता पिता अपने बच्चों के प्रति किस रूप से संबंध बनाते हैं? सबसे पहले हमें उस संबंध को ठीक करना है जिसे माता मरियम ने अपना संबंध ईश्वर से ठीक किया और अपने अगल बगल रहने वाले सबों से ठीक किया। तो हमें अपने आप से पूछना है कि हमारा संबंध परिवार के सदस्यों के साथ कैसा है, हमारा संबंध पड़ोसियों के साथ में कैसा है, हमारा संबंध दूसरे धर्म को मानने वालों के साथ कैसा है। और तीसरा लेटर है आर, जिसका हम लोग भी अर्थ समझे, रिलेशनशिप, बंध, संबंध बनाना। क्रिश्चियों का काम है संबंध जोड़ना, ना कि संबंध बिगाड़ना। और आखिरी में चौथा लेटर है, अक्षर है वाई। वाई का फुल फॉर्म यहां पर होता है यील्डिंग फ्रूट्स, फल उत्पन्न करना। माता मरियम ने बहुत अच्छा फल उत्पन्न किया हम सबों के लिए पूरे संसार में। हमें माता मरियम की तरह अच्छा फल उत्पन्न करना चाहिए। माता मरियम ने क्या फल उत्पन्न किया? प्रेम का फल उत्पन्न किया, ईश्वर के पुत्र को अपने शरीर में धारण किया, उस प्रेम को ग्रहण किया, बालक यीशु को क्रिसमस के समझ। क्रिसमस के टाइम में हम लोग मनाते हैं कि माता मरियम ने एक पुत्र का प्रसव किया, उसका नाम यीशु रखा। वही यीशु जो शांति, प्रेम, न्याय और सच्चाई का चिन्ह, वही चिन्ह हम लोगों को है, हम लोगों को प्रदान किया। जो आदम और हवा के द्वारा इस दुनिया में पाप फैल गया था उसको वो मिटाकर इस दुनिया में मुक्ति लाए, वह कृपा लाए जिसे किस प्रेम में इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम है। अभी हम लोगों से पूछना है, अपने आप से पूछना है क्या हम लोग को क्या फल उत्पन्न करना चाहिए? छोटा फल उत्पन्न करना चाहिए कि बड़ा फल उत्पन्न करना चाहिए? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी कहते हैं जरूर अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, पर ध्यान में रखना है कि जो हम लोग कहते हैं और जो हम लोग करते हैं क्या उसमें अंधता, एक दूसरे को शांति मिलती है, क्या एक दूसरे को प्रेम मिलता है, क्या एक दूसरे को न्याय मिलता है, क्या एक दूसरे को सच्चाई मिलता है? यदि हम लोगों को एक दूसरे को हमारे बातों से, हमारे कामों से शांति मिलती है, प्रेम मिलती है, न्याय मिलती है और सच्चाई मिलती है, तो हम भी धन्य कहलाएंगे, हम संतों की संगति में आएंगे। तो मदर मेरी से हमें आज यही विशेष सीखना चाहिए। एम से मदर, जो दूसरों का देखभाल करती है। ए से एक्सेप्टेंस, ईश्वर की इच्छा को पूरी करती है। और आर से रिलेशनशिप, जो एक दूसरे से अच्छा संबंध बनाते हैं। और वाई से यील्डिंग फ्रूट्स, अच्छा फल उत्पन्न जिसे एक दूसरे से प्रेम कर सके, हमारे बीच में एकता, हमारे बीच में सुख चैन। तो आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नया साल में इसलिए कहा जाता है जो ऊपर जाता है जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं कहा अंत नहीं होता है उसे हम माँ कहते हैं। तो आइए हम प्रत्येक क्षण के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि माता मरियम की मध्यस्थता से जिसका पर्व आज माता कलीसिया मना रही है इस माता का महापर्व, हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें ताकि हम प्रत्येक क्षण माता मरियम की तरह दूसरों को देख रेख कर पाएंगे, ईश्वर की इच्छा को ग्रहण कर पाएंगे, एक अच्छा संबंध पाएंगे और एक अच्छा फल उत्पन्न करेंगे जिसे हम सबों का विकास हो, हम सबों का उत्थान हो और हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। रोज का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।